हेलो हेलो फ्रेंड्स, यही फायदा होता है हाईवे किनारे रहने का। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशु आसमीचार। टेक्निकल के अकॉर्डिंग वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी कमाल का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि नॉर्मली हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं उस चीज़ का, उसे मार्केट से ला के अपने घर में लगाते हैं और मैक्सिमम सभी के घरों में वो यूज़ होती है। लेकिन आज मैं आपको मार्केट से कई गुना अच्छी और कई गुना सस्ते तरीके से उसको बना के दिखाऊंगा। काफ़ी कमाल का वीडियो होने वाला है, आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। और उस प्रोजेक्ट को जब अपने घर पे आप लगाओगे, यूज़ करोगे, तो भाई कोई उसे देख कर ये नहीं बोलेगा कि आपने इसको खुद से बनाया होगा। काफ़ी कमाल के तरीके से वो काम करेगा। आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। यार, आप लोग वीडियो तो देख लेते लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया करते हैं। अगर आपको कुछ वीडियो में कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोज़ में हम उस कमी को दूर कर सकें, अपनी वीडियोज़ को और इम्प्रूव कर सकें। लेकिन अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहे, आप हमेशा कुछ नया सीखते रहें। तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं, अपने इस कमाल के प्रोजेक्ट को बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हम कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि मेरे पास ये स्पीकर है, ये पुराना स्पीकर है जो कि मेरे पास पड़ा हुआ था, इसी का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा जो सर्किट होने वाला है, वहाँ पे स्पीकर काफ़ी मेन रोल होने वाला है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप इससे बड़ा स्पीकर भी यूज़ कर सकते हैं, इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो भी स्पीकर मैंने आपको दिखाया वो इस सर्किट में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, इसकी आवाज़ भी काफ़ी अच्छी आती है। तो आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए, काफ़ी यूज़फुल प्रोजेक्ट होने वाला है। डेफिनेटली आपके घर में यूज़ आता है, आप लोग इसको मार्केट से खरीद दो, लेकिन आप इसे काफ़ी कम खर्च में बना सकते हैं। तो इसका जो कनेक्शन है वो भी मैंने वीडियो में काफ़ी आराम से समझाए हुए हैं, आप आराम से इसको बना सकते हैं। और इसके जो कंपोनेंट है वो लोकल मार्केट में आसानी से आपको 5 से 10 रुपए में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो हमारे जो दोनों ट्रांजिस्टर हैं, एक आईसी है एक ट्रांजिस्टर है, तो उसकी लेग को हम कुछ इस तरीके से फैला लेते हैं। ठीक है, हमारा जो UM66 है उसको आईसी बोलते हैं, लेकिन वो ट्रांजिस्टर जैसे ही दिखता है। उसके बाद यहाँ पे हम 220 ओम का रेसिस्टर ले रहे हैं और हमारा जो UM66 है उसकी थर्ड वाली लेग से उसको सोल्ड कर देते हैं। और जो हमारा 220 ओम का दूसरा वाला पॉइंट है उसको हमको BC547 के मिडिल वाली लेग से सोल्ड कर देना है, कुछ इस तरीके से। पूरा कनेक्शन मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सर्किट डायग्राम जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आराम से मैंने समझाया हुआ है। उसके बाद हम यहाँ पे एक जंपर वायर कनेक्ट कर रहे हैं जो कि UM66 की फर्स्ट वाली लेग के साथ, और उसका जो दूसरा पॉइंट है हम BC547 की थर्ड वाली लेग के साथ सोल्ड कर देंगे। उसके बाद हम दूसरी एक वायर ले रहे हैं, सभी वायर को मैं यहाँ पे अलग अलग कलर से यूज़ कर रहा हूँ। एक येलो वायर ले रहा है जो कि हमने BC547 की फर्स्ट वाली लेग का यूज़ किया है। उसके बाद हम यहाँ पे दो रेड कलर की वायर ले रहे हैं और इसको हमको सोल्ड करना है हमारा जो UM66 है उसकी मिडिल वाली लेग में। यहाँ पे दो वायर हमको सोल्ड करनी है। ठीक है, ये दोनों वायर पॉजिटिव हैं, एक इनपुट की रहेगी एक आउटपुट की रहेगी। सभी सर्किट में नेगेटिव कॉमन होता है लेकिन इसमें पॉजिटिव कॉमन होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लैक वायर मैंने सोल्ड की हुई है जो कि हमने UM66 की फर्स्ट वाली लेग के साथ की हुई है। आपने इसका इनपुट और आउटपुट तो देख लिया। ठीक है, अब इसके हम बॉडी को बनाते हैं। यहाँ पे काफ़ी इजी सर्किट था और इसी सर्किट का यूज़ करके कमाल का प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी बॉडी को बना लेते हैं। ठीक है, आप किसी बॉक्स में भी इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन एक बढ़िया से बॉडी इसको बनाएंगे जिसमें देखने में भी काफ़ी अच्छा लगे। जब इसको हम अपने घर में यूज़ करेंगे तो लोगों को लगे कि भाई हमने मार्केट से लाया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे स्पीकर के लिए हम यहाँ पे मार्किंग कर लेते हैं और यहाँ पे हम होल करेंगे, छोटे छोटे ग्रिल टाइप में बनाने वाले हैं। इस बार मैं यहाँ पे कटिंग नहीं करूँगा, हम छोटे छोटे से यहाँ पे होल करेंगे। तो उसके लिए मैं कुछ मार्किंग कर रहा हूँ, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ इस तरीके की मार्किंग कर सकते हैं, फिर डायरेक्टली आप यहाँ पूरा बड़ा सा होल कर सकते हैं जिसके अंदर आप स्पीकर को सेट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सर्किट, ये डिवाइस हर घर में यूज़ आती है, सभी के घर में लगभग लगी होती है। आप लोगों ने आज के देखा होगा कि मैक्सिमम ये घरों में यूज़ होता है, तो आप इसको काफ़ी कम खर्च में बना सकते हो। मेरे ख्याल से लगभग 20 से 25 रुपये में आराम से सर्किट बन के रेडी हो जाता है। और स्पीकर आपके पास पुराने पड़े होंगे तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब यहाँ पर हमने जो मार्किंग की उनमें छोटे छोटे होल्स करना है, तो फटाफट से मैं सभी होल कर देता हूँ जिससे यहाँ पे पूरा ग्रिल बन जाएगा और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक गिवे चल रहा है, तो अगर अभी तक आपने उस गिवे में पार्टिसिपेट नहीं किया तो फटाफट से गिवे में पार्टिसिपेट कर लीजिए, क्योंकि उसका टारगेट काफ़ी जल्दी कंप्लीट होने वाला है और उसका रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी अनाउंस होने वाला है। तो फटाफट से जाइए और गिवे में पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे आप भी गिवे के विनर बन सकते हैं। उसके बाद और भी कमाल कमाल के गिवेज आप लोगों के लिए आ सकते हैं, तो फटाफट से गिवे में पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा।
तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे सभी होल्स को कर लिया है। अब देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है देखने, मतलब यहाँ पे पूरा ग्रिल बन गई है और कुछ इस तरीके से हमारा अंदर से स्पीकर सेट हो जाएगा और बाहर कुछ इस तरीके का देखने में लगेगा, मतलब काफ़ी कमाल का लुक आ रहा है। तो फटाफट से अपने स्पीकर को हम इसमें चिपका देते हैं। उसके बाद इसके हम बॉडी को बना लेते हैं। चारों तरफ से मैंने इसकी जो कटिंग की हुई है, तो आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं, अपना डिज़ाइन दे सकते हैं, या फिर इसके लिए किसी बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से मैं इसकी बॉडी को बना लेता हूँ। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने अपना शॉर्ट्स चैनल क्रिएट किया है जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फटाफट से आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी कमाल कमाल के प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं जो कि आपको शॉर्ट वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो फटाफट से वहाँ पर भी आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि और भी कमाल कमाल के प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसके बाद हमारा जो सर्किट है इसको हम यहाँ पे सेट करने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके से हम सेट कर देंगे। आप चाहें तो इस सर्किट को जीरो पीसीबी में डिज़ाइन कर सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम है, मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद मैं फटाफट से यहाँ पे ग्लूगन से इसको चिपका देता हूँ। आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी भी सर्किट में आपको फेविक्विक का यूज़ नहीं करना चाहिए, वो सर्किट को ख़राब कर सकता है। उसके बाद हमारे सर्किट के जो आउटपुट के वायर थे उनको हमको स्पीकर के साथ लगाना है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव निगेटिव का ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पॉजिटिव का पॉजिटिव और निगेटिव का निगेटिव आराम से सोल्ड कर दीजिएगा स्पीकर के साथ। स्पीकर में भी पॉजिटिव निगेटिव मेंशन होता है। उसके बाद पावर इनपुट के लिए यहाँ पे हम पॉजिटिव वाली वायर को पॉजिटिव पॉइंट के साथ सोल्ड कर देते हैं, और उसके निगेटिव वाले वायर के बीच में हम एक स्विच के लिए एक बड़ा सा वायर कनेक्ट करेंगे, जिससे हम स्विच को बाहर निकाल सकें। तो यहाँ पे जो हमारा निगेटिव वाला पॉइंट है तो उसके बीच में हमें स्विच को कनेक्ट करना है। तो काफ़ी सिंपल से कनेक्शन, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। और इस प्रोजेक्ट का अगर नाम अभी तक आपने नहीं पता चला तो फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये होने वाली एक डोरवेल जो कि हमारे घरों में नॉर्मली यूज़ होती है, ठीक है, और हम मार्केट से लेके आते हैं, मार्केट से ला के उसको लगाते हैं, लेकिन भाई इसको हम खुद से बना सकते हैं। काफ़ी कमाल का इसका साउंड आने वाला है, आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा, पूरी टेस्टिंग मैंने करके दिखाई हुई है। काफ़ी कमाल का साउंड आने वाला है, एक म्यूज़िकल साउंड इसके साथ आने वाला है जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, इतने बढ़िया साउंड इसके साथ आने वाला है और काफ़ी कम खर्च में आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सभी कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसको फटाफट से मैं पैक कर देता हूँ और आपको पूरी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से काम करेगी। तो दोस्तों फाइनली हमारी डोरवेल बनके रेडी हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर पूरी तरीके से फिनिशिंग करके कलर भी कर दिया है। इसका लुक कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अब इसकी हम टेस्टिंग करने वाले हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से काम करती है। तो सबसे पहले मैं इसमें स्विच लगा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक डोरवेल वाली स्विच मार्केट से लाया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये डोरवेल वाली स्विच है जो कि एक बार प्रेस करने के बाद छोड़ने पर ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, ठीक है। ये लटकाने वाली स्विच है, आप चाहे तो दीवार पर लगाने वाली भी ला सकते हैं। तो फटाफट से इसको हम ओपन करके और इसमें जो हमारी दोनों वायर हैं इनको अटैच कर देते हैं। तो ये है हमारी वायर के दोनों पॉइंट जो कि हमने अंदर से निकाले हुए थे। इन दोनों वायर को सिंपली हमको कुछ इस तरीके से दोनों पॉइंट में अटैच कर देना है। काफ़ी सिंपल से कनेक्शन, आराम से आप इसको कर सकते हैं। और आप इस वायर को बड़ी भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जो डोरवेल होगी अंदर लगी होगी और इसको आप बाहर करना चाहें तो आराम से इस वायर को बड़ा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे सब कुछ रेडी है, अब इसको हम पावर देंगे, उसके बाद आपको पूरी टेस्टिंग करके दिखाएंगे। और आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका जो साउंड है वो कैसा लगा, आप लोगों को कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का एक लाइक एक कमेंट हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। पावर देने के लिए सिंपली मैं मोबाइल चार्जर का यूज़ कर रहा हूँ। 5 वोल्ट को आपको यहाँ पर यूज़ करना है, 5 वोल्ट से पावर देने इसको। और यहाँ पर हमारी जो डोरवेल है वो ऑन हो चुकी है, ठीक है। जैसे आप इसको पावर देंगे तो यहाँ पर LED ऑन हो जाएगी, और इसके जगह पर आप बैटरी का भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर बैटरी भी आप लगा सकते हैं। चलिए आप इसकी टेस्टिंग करते हैं। कुछ इस तरीके का म्यूजिकल साउंड आपको इसके अंदर सुनने को मिलेगा। मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा कि साउंड आपको कैसा लगा। अभी पूरा साउंड आपको सुनाकर दिखाता हूँ।
काफ़ी कमाल का साउंड दोस्तों इसके अंदर जाता है। हो सकता है काफ़ी लोग बोले कि ये वीडियो फेक है, लेकिन भाई जब आप इसको बनाओगे ना तो 100% सक्सेस होगी, मेरी गारंटी है। 100% तरीके से काम करता है और सेम इसी तरीके का म्यूजिकल साउंड आपको सुनने को मिलेगा। तो जब भी कोई प्रोजेक्ट बनके सक्सेस होता है ना तो भाई काफ़ी एक अलग लेवल की खुशी होती है। तो आप लोग इसको बनाकर यूज़ कर सकते हैं, 100% वर्क करेगा। इसका सर्किट डायग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी कमाल का साउंड आता है इसके अंदर से। दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी डोरबेल मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। आप लोगों ने इसके साउंड को सुना और मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा इसका साउंड। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसका सर्किट डायग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ ही देर में। और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे सभी लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि भाई डोरबेल तो हर घर में ज़रूरी होती है और सभी लोग मार्केट से ला के लगाते हैं। तो आप इसको बहुत ही कम खर्च में खुद से बनाकर यूज़ कर सकते हैं, वो भी एक कमाल के साउंड फीचर के साथ। वो घंटी वाला साउंड नहीं भैया, एक म्यूजिकल साउंड आपको सुनने को मिलेगा, जो कि सुनने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके, आप सबसे पहले उसको देख सकें। और आप हमसे कुछ बातें करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, शॉर्ट्स चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।